नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले पहले वनडे मैच की। चेन्नई में ये मैच खेला जाना है, 5 वनडे की ये सीरीज है। भारतीय टीम जिस तरीके से श्रीलंका से वापस लौटी है उसके बाद पूरी तरीके से इस वक्त हौसले बुलंद हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे एक बड़ी परीक्षा है और एक कड़ी परीक्षा भी है। चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे सहयोगी अंकुर हैं इस वक्त हमारे साथ। अंकुर, जिस तरीके से मैंने बोला कि ये एक बड़ी और कड़ी दोनों ही परीक्षा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बांग्लादेश में ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए और भारत जो है वो श्रीलंका को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके लौटी है। कैसे देखते हैं इस मैच को? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और अगर उनके पिछले दौरों की अगर बात की जाए अभिषेक, तो उसमें उनका प्रदर्शन भले ही अच्छा ना रहा हो, लेकिन भारतीय टीम कभी भी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। खास करके अगर बात की जाए वनडे मुकाबलों की, तो 123 मुकाबले खेले हैं दोनों ही टीमों ने अब तक, और उसमें अगर औसत की बात की जाए तो लगातार ये औसत अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का औसत बहुत ज़्यादा है भारतीय टीम की तुलना में। करीब 72 के करीब मुकाबले यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत से जीते हैं, जबकि महज 40 से 41 मुकाबले यहाँ पर भारतीय टीम के झोली में गए हैं। उनमें भी अगर बात की जाए भारतीय सरजमी की, तो उनमें 51 मुकाबले यहाँ पर भारत की ओर से खेले गए हैं और भारतीय और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में खेले गए हैं। उनमें से भारत ने महज 21 मुकाबले जीते हैं, जबकि उन्होंने 25 से ज्यादा मुकाबले जीते हैं। तो कहा जा सकता है वनडे मुकाबले के नजरिए से ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और भारत कभी भी इसको हल्के में लेने की भूल नहीं करेगी। बिल्कुल। तो अंकुर, जिस तरीके से हमने देखा है कि अगर ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए, तो एक वो दौर था जब 1999 से जो उनका दौर शुरू हुआ था, उसके बाद तकरीबन 2007-2010 तक अगर देख लिया जाए तो एक स्वर्णिम युग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, जब हेडन होते थे, गिलक्रिस्ट होते थे, पॉन्टिंग होते थे, ये ऐसे खिलाड़ी होते थे। अब शायद उस लेवल के खिलाड़ी अभी ऑस्ट्रेलियन टीम में फिलहाल नहीं है, ये भी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ी सच्चाई है। पिछली अगर सीरीज़ की बात की जाए, जब ऑस्ट्रेलिया और भारत सामने सामने हुए थे, उस दौरान स्मिथ जो हैं वो टीम में नहीं जुड़े हुए थे और ना ही टीम की कप्तानी कर रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में स्मिथ एक अच्छे इनफॉर्म बैट्समैन हैं और टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। भारतीय पिचेस से अच्छे से वाकिफ हैं वो, क्योंकि यहाँ पर IPL लगातार उन्होंने खेला है, तो भारतीय टीम उनसे कहीं ना कहीं बचकर नजर आएगी। और खास करके अगर बात की जाए वार्नर की, जो एक बड़े खिलाड़ी हैं, और ओपनिंग में अगर वो चल गए तो ऑस्ट्रेलिया को कभी भी यहाँ पर बैकफुट पे जाना नहीं पड़ेगा। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जो वार्नर और स्मिथ जो इस समय इनफॉर्म बैट्समैन हैं, उनसे भारतीय टीम को बचना होगा। खास करके अगर बात की जाए तो भारतीय पिचेस जो हैं वो स्पिन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रेलिया की टीम की कोशिश यही रहेगी कि कहीं ना कहीं से उनको अच्छे स्पिनर्स को यहाँ पर अपनी टीम से जोड़ना पड़े और वो स्पिनर्स उनके पास हैं। अंकुर, अगर जिस तरीके से देखा जाए तो ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात हो गई कि वार्नर हैं या स्मिथ हो गए, इनसे भारतीय बॉलर्स को बचने की जरूरत है, लेकिन अगर की फैक्टर्स की बात कर ली जाए तो भारतीय टीम में कौन ऐसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हो सकते हैं? क्योंकि शिखर धवन जो एक ऐसे खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हमेशा उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वो अभी फिलहाल टीम में नहीं है, चोटिल हैं। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के लिए रोहित शर्मा यहाँ पे एक बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। उनके अलावा अगर देखा जाए तो कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो महत्वपूर्ण साबित होंगे? सबसे पहले नाम तो रोहित शर्मा का ही लेना होगा, क्योंकि ओपनिंग अच्छी कर रहे हैं, लगातार टीम के लिए रन बटोर रहे हैं और खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, और आगे भी अगर ये प्रदर्शन जारी रहा तो ऑस्ट्रेलिया पर भारतीय टीम भारी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत को इस समय जरूरत है, क्योंकि वो टेस्ट में नंबर 1 बनी हुई है, T20 में उनकी स्थिति सुधार में आई है, वनडे में उनकी जो स्थिति डाउन है, वो अगर इस सीरीज को 5-0 से जीतती है तो पहले पायदान पर यहां पर काबिज होने में यहां पर एक अहम भूमिका अब बल्लेबाजों की है, और उसमें सबसे पहले नाम और रोहित शर्मा का लिया जाएगा। उसके अलावा की फैक्टर्स की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो विराट कोहली एक बड़ा नाम है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खाते में अच्छे शतक हैं, और उसके अलावा अगर बात की जाए तो युवा जो खिलाड़ी हैं केदार जाधव की अगर बात की जाए, तो वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं जब जब उन्हें मौका मिलता है। मनीष पांडे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो युवाओं के बिहाफ पर भी भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, और भारतीय सरजमी पर अगर ये सीरीज जीतती है तो नंबर 1 का ताज उनके सिर पर चढ़ता होना सर। बिल्कुल। अंकुर, एक खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी, इनके एक्सपीरियंस को हर कोई जानता है कि टीम में अगर ये रन नहीं भी बनाते हैं फिर भी इनका होना जरूरी है।
2019 वर्ल्ड कप को लेकर के बात चल रही है कि धोनी रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसे में भारतीय सरजमी पे धोनी का कितना बड़ा रोल होगा, क्योंकि कहा जाता है कि कई ऐसे फैसले होते हैं, चाहे DRS की ही बात कर ली जाए, कहा जाता है कि वो DRS नहीं है बल्कि वो धोनी रिव्यू सिस्टम हो गया है। तो क्या लगता है धोनी कितने बड़े फैक्टर साबित होंगे? देखिए, धोनी के साथ साथ पहले दो नामों की और चर्चा करी जाए कि युवराज सिंह और सुरेश रैना, जो कि टीम से बाहर हैं, लेकिन हाल ही में हमारे पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज जो हैं वीरेंद्र सहवाग, वो इस बात को कह चुके हैं कि 2019 के लिए यूवी धोनी और उनके साथ साथ रैना को भी उन्होंने जोड़ा है कि उनका टीम में रहना ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी गया था पहले के दिनों में कि रैना है ना, तो जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो धोनी एक ऐसा फैक्टर है टीम के लिए जो पॉजिटिव फैक्टर के रूप में देखा जाता है। वो भले ही बल्लेबाजी में ना चलें, लेकिन विकेट के पीछे जब वो कीपिंग कर रहे होते हैं तो वो दूसरे कप्तान की भूमिका निभा रहे होते हैं। विराट कोहली समय समय पर उनसे जा करके मार्गदर्शन लेते हैं, और जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी उस दौरान भी धोनी से यही बात कही गई थी कि आपको टीम में एज ए मेंटर काम करना है, और वो यहाँ पर मेंटरशिप वो निभा रहे हैं। और लगातार जो आप DRS की बात कर रहे हैं, तो विराट कोहली के DRS रिव्यूज अभी तक जितने भी रहे हैं वो एकदम फ्लॉप शो साबित होते हैं, लेकिन धोनी से वो कंसल्ट करके जब भी आते हैं आगे तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव निकलता है। तो अगर अंकुर, ये तो बल्लेबाजी की बात हो गई, भारतीय टीम का हमेशा से एक मजबूत पक्ष रहा है बल्लेबाजी, गेंदबाजी की अगर बात कर ली जाए, गेंदबाजी में क्या लगता है कि फास्टर्स पे ज्यादा भरोसा करना होगा या स्पिनर्स से ही भारतीय टीम जो है वो मैच जीत सकती है? देखिए, इस समय टीम ऑलराउंडर टीम है ना, हमारे पास कहा जाए कि अच्छे फास्ट बॉलर्स की कमी है और ना ही स्पिनर्स की कमी है। हमारे पास अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें अगर भुवनेश्वर कुमार का नाम लिया जाए तो सबसे आगे होगा, शमी का नाम लिया जाए तो वो कहीं पे भी कम नहीं रहते, और खास करके अगर बात की जाए एक ऐसा खिलाड़ी बुमराह जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, युवा खिलाड़ी हैं तो कुछ ज़्यादा ही, बिल्कुल हमेशा से, और खास करके अगर बात की जाए स्पिनर्स, तो स्पिनर्स में भी हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं। हाँ, अक्षर पटेल को इस बार ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि हाल ही में नेट प्रैक्टिस के दौरान जब वो फुटबॉल खेल रहे थे वो चोटिल हुए, लेकिन उनका जो रिप्लेस आया वो भी रविंद्र जडेजा के तौर पर आया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा चलते हुए नजर आते हैं। जब टेस्ट सीरीज हुई थी उस दौरान भी आर अश्विन और रविंद्र जडेजा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, तो कहा जा सकता है इस समय टीम हर मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया से आगे है। हाँ, कुछ हद तक उनको रोकना जरूरी होगा क्योंकि एक बड़ी टीम है, और उस एक बड़ी टीम का सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है, और उनके साथ खेलने की सोच भी हमको डिफरेंट। ऐसा ये माना जाए कि सिर्फ आत्ममुग्धता से बचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकुर इन तमाम चर्चाओं के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए। तो भारतीय क्रिकेट टीम आज ऑस्ट्रेलिया से दो दो हाथ करेगी चेन्नई में, उम्मीद यही है कि आत्ममुग्धता से बचे, और भारतीय टीम जिस तरीके से श्रीलंका में खेली कुछ उसी अंदाज में भारतीय सरजमी पर भी खेल दिखाए और ऑस्ट्रेलिया को मात दे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहें। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, Facebook पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।